जय श्री देव फ्रेंड, और आपका स्वागत है आपके चैनल स्टिचिंग ट्यूटोरियल बाय विजय वत्स में। और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ सैटन रिबन का फ्लावर। तो आइए देखते हैं इसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे सैटन रिबन, थ्रेड और सुई और ग्लू गन, इसमें ऑप्शनल है फ्रेंड्स। और एक स्केल चाहिए हमको ज़रूरी, जो कि इसके लिए है। तो हम सबसे पहले स्केल लेते हैं और स्केल के ऊपर जो हमारा सैटन रिबन है उसको इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए पूरे स्केल को कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरह से यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ, और इसी तरह से आपको इसको फोल्ड करना है। इसको बिल्कुल सीधा सीधा करते जाएंगे तो ये फोल्ड नहीं होगा पूरे स्केल पर। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा तिरछा करके फोल्ड करेंगे। और इसको यहाँ पर हमने पूरा फोल्ड कर लिया है, और इसके जो बाकी का हिस्सा है इसको हम कट कर देंगे सीजर से। और यहाँ पर अब हम सुई धागे की मदद से इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर बड़े बड़े टक लगाएंगे हम इसमें, ताकि ये दोनों पार्ट्स जो एक दूसरे के ऊपर आए हैं रिबन के, वो आपस में स्टिच हो जाएं और हमारा जो रिबन है वो अलग ना हो और एक सीक्वेंस बनता चला जाए। इस तरह से हम यहाँ पर सुई धागे की मदद से इसको स्टिच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरह से यहाँ पर सिल रही हूँ, और इसी तरह से यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। और इसको हम यहाँ पर पक्की वाली नॉट लगा देंगे इसमें, और इस धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर नॉट लगा दी है और यहाँ पर कट कर दिया है। अब हम इसके बाद में इस जो सैटन रिबन को हमने फोल्ड किया है, आराम से इसको स्केल से बाहर निकालेंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है इस तरह से, और बहुत ही आसानी से स्केल से उतर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से दिखेगा आपको स्केल से निकालने के बाद में। और इसके बाद में हम एक जो कोई भी पेन, पेंसिल, इस तरह की कोई बारी पतली चीज़ लेंगे और उस पर इसको रखकर फोल्ड करेंगे सर्कल में। तो देखिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे जो भी हमारा रिबन का जितना भी हिस्सा आया है यहाँ पर, उसको सबको फोल्ड कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो हमने स्टिच सिलाई किया था यहाँ पर हाथ की मदद से सुई धागे से, तो उसको आपको नीचे की तरफ रखना है और ऊपर वाला हिस्सा जो ऊपर की तरफ ही रखना है। तो यहाँ पर उसके बाद में मैंने ग्लू गन जैसे ऑप्शनल बोला था, तो वही है। आप इसमें ग्लू गन की सहायता से आप इसको सिल लगा सकते हैं ग्लू गन, या फिर मैंने तो इसको सुई धागे की मदद से सिला है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास गन है बट मैं यहाँ पर सिर्फ इसको ऐसे ही सिलाई करूँगी। तो आपको जितने भी लेयर्स ये दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, इन सबको आपको सिल लेना है सुई धागे की मदद से। तो इस तरह से यहाँ पर आपको पूरे हिस्से को सिलते जाना है, क्योंकि अगर इसमें से कोई परत हमारी जो रह जाती है वो अगर नहीं सिली जाएगी तो ये हमारा जो है बाहर निकल जाएगा। तो देखिए अब मैंने सिल लिया है, और इसको इस तरह से हमको लूज़ करना है थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ से, ताकि हमारी जो फ्लावर्स की लेयर्स हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पर इन जो फ्लावर्स के ऊपर की लेयर्स हैं इनको हम थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, ताकि हमारा जो फ्लावर्स है वो खिला खिला नज़र आएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद में मैं यहाँ पर स्टोन या कोई भी आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी देखिए ये एक स्टोन पर्ल ले रही हूँ, या तो आप पर्ल इसमें लगा सकते हैं, कोई भी मोती है आपके पास में वो लगा सकते हैं, या आपके पास कोई जो बटन होते हैं हमारे फैंसी बटन होते हैं आप वो भी लगा सकते हैं, या फिर कोई किसी तरह का स्टोन है आपके पास में वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर सिल लिया है। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और अभी मैं आपको इसके अलग अलग तरीके से दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने एक दूसरा फ्लावर था, तो उसमें मैंने ये आपको स्टोन लगा गोल्डन कलर का।
तो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप इसको हेयर बैंड में लगाना चाहें तो हेयर बैंड में लगा सकते हैं, या आप क्लिप बनाना चाहते हैं, ब्रॉच बनाना चाहते हैं, तो आप किसी तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको हेयर पिन बनाया है, तो ये देखिए बालों में लगाने के बाद में इतना सुंदर लग रहा है। आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, हेयर बैंड में भी आप इसको सिल सकते हैं, आप अपने बच्चों के हेयर बैंड बना सकते हैं।